हे गाइस, वेलकम टू अनवाइड एकेडमी। आज हमारा तीसरा भाग है एंशिएंट हिस्ट्री का, जो 500 एमसीक्यू कर रहे थे उसका। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारे कंटेंट इस पे अपलोड होने वाले हैं। और बेल जो आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ द कौटिल्या। इसमें से कौटिल्या का कौन सा नाम नहीं है? देखिए, चाणक्य भी था, विष्णुगुप्त भी था और द्रामिणी द्रचार्य भी था, लेकिन देवपुत्र उसका नाम नहीं था। कौटिल्य हेल्ड फ्रॉम, तो ये तक्षशिला से बिलोंग करते थे। बुद्धा हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज एन ओशियन ऑफ विजडम एंड कंपैशन इन, ये किस स्क्रिप्ट या किस बुक में? तो अमरकोशा में ये इनको बताया गया है, एन ओशियन ऑफ विजडम एंड इन कंपैशन। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्लवा रूलर इज गोंडे फेमस संत थॉमस डाइड अ मार्टियर एट, मतलब शहीद हो गए सेंट थॉमस जो, वो कहाँ मरे थे? तो एक्चुअली ही डाइड एट मद्रास, मद्रास में इनकी मृत्यु हुई थी। ऑफ द फॉलोइंग कुशान किंग हु एज्यूम्ड द टाइटल द लॉर्ड ऑफ होल्ड वर्ल्ड, किसने खुद को लॉर्ड ऑफ होल्ड वर्ल्ड कह दिया था? तो दैट वॉज कैडफिसेस सेकेंड। द कैपिटल ऑफ कनिष्का एम्पायर वाज, कनिष्का जो कैपिटल था वो कहाँ सिचुएट करता था? तो इट वॉज इन पेशावर। द उपनिषद आर सेपरेटेड फ्रॉम ब्रह्मणास बाई ट्रीटिस कॉल्ड, दैट इज अर्णक्यास। अर्णक्यास जो है इनसे वो सेपरेट करता है। द रिलीजियस मूवमेंट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वेयर लेड बाई, दोनों क्षत्रिय प्रिंस थे, दोनों जो राजा के घराना से बिलोंग करते थे, बाद में सन्यासी के जीवन की और इनलाइटेड हुए, बाद में अपने रिलीजन को आगे बढ़ाया। हुम कैन वी कॉल द फर्स्ट नेशनल रूलर ऑफ इंडिया, पहला नेशनल रूलर हम किसे कह सकते हैं? तो इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य, जो होल मतलब इंडिया पे एक तरह से राज कर रहा था, तो फर्स्ट रूलर हम उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द साइलेंट फीचर ऑफ ऋग वैदिक रिलीजन वॉज वर्शिप ऑफ, तो ये नेचर को सबसे पहले पूजा करते थे। द ब्रह्मणास डील्स विद दी, तो ये रिचुअल जितने भी रिचुअल्स होते थे उनको ब्रह्मणास जो है उससे उसको डील करते थे, कराते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड लॉस्ट हिज इम्पोर्टेंस एज फर्स्ट डेट ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में जो वरुण थे हवा के देवता, उन्होंने अपनी महत्व को खो दिया था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड में किन को गॉड ऑफ एनिमल भी कहा गया है? तो जो रुद्र थे इनको गॉड ऑफ एनिमल कहा जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स वॉज नॉट नोन टू पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, देखिए इंपॉर्टेंस की बात करें तो उस समय जो बोफैलो था उसकी उतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन काउ भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, जैसे हॉर्स उस समय पता ही नहीं था, तो इसका तो आंसर हॉर्स होगा। बट ये सारे एनिमल्स भी उतने डोमेस्टिकेशन के लिए यूज होते थे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे उस समय। वेन अलेक्जेंडर इन्वेडेड इंडिया, तक्षशिला वॉज रूल्ड बाई, तो अम्बी उस समय राजा थे तक्षशिला के। देर आर सिमिलरिटीज बिटवीन सील्स फाउंड एट मोहनजोदारो एंड सुमेरिया, सुमेरिया में कुछ कहावतें थी जैसे कि आधा नर यानी कि ह्यूमन और आधा हॉर्स, इस टाइप के वहाँ के पोएम्स में इंसानों की जिक्र होती थी, और इस टाइप के सील्स जो है मोहनजोदारो में भी मिले थे, तो ये दोनों इससे मिलते जुलते हैं। दी हरप्पन्स, हरप्पाज हैज कॉमर्शियल रिलेशंस विथ, किनसे इनका कॉमर्शियल रिलेशन था? तो हम सभी जानते हैं मेसोपोटामियंस जो थे उनसे इनका कॉमर्शियल रिलेशन था। मेगास्थनीज वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर सेंट टू द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, जो मेगास्थनीज था सेल्युकस निकेटर का जो एम्बेसडर था, उसने भेजा था इसको चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, और इंडिका बुक भी इसने लिखा था, किसने? मेगास्थनीज ने, जिसमें इसने जिक्र किया इसका। मुद्रा रक्षण वॉज रिटन बाई, मुद्रा रक्षण जो है वो किसने लिखा है? तो विशाखा दत्त जो है उन्होंने मुद्रा रक्षक जो बुक है उसको लिखा है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोटेड फॉर इट्स टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग उसकी सबसे जबरदस्त थी, उसके लिए जाना जाता है, और पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन। द लैंग्वेज विच कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वॉज, पाली लैंग्वेज में बुद्धिज्म को लिखा गया था और इसी लैंग्वेज में स्प्रेड भी हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, देखिए कोई भी चीज़ अगर बटने लगे और उसमें करप्शन आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो डिक्लाइन हो जाएगा, तो करप्शन वॉज द मेन कॉज ड्यू टू विच बुद्धिस्ट जो था वो डिक्लाइंड होने लगा बुद्धिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन थ्री रत्न ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का जो थ्री रत्न थी जो कि आपको निर्वाणा की ओर ले जाएगा उसमें क्या नहीं था? तो क्रिएटर्स का शब्द उसमें नहीं था, राइट फेट था, राइट कंडक्ट था, राइट नॉलेज भी था।
The Harappans did not know the use of iron की उस समय पहचान नहीं थी, कॉपर ब्रॉन्ज गोल्ड के बारे में उस समय पहचान थी और लोग यूज करते थे. अजीविका वेयर एक्चुअली में दे आर नास्तिक, नास्तिक यानी जो भगवान में बिलीव नहीं करता हो, और दे वेयर आप कह सकते हो एकदम धूर्व विरोधी थे जैनिज्म और बुद्धिज्म के कि ये ऐसा कुछ नहीं होता है, तो दे आर ए मोनास्टिक सेक्ट. धर्म महामंत्रज वेयर ड्यूरिंग दी, अब धर्म महामंत्रज क्या थे, तो ये ऑफिशियल्स थे जो कि क्रिएट किया गया था मॉरियंस के द्वारा, जो कि जितने भी रिलीजन्स हैं मतलब जो रिलीजियस वर्क्स हैं उसके इंस्पेक्टर्स कह सकते हैं आप. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सुंगास देयर वाज अ रिवाइवल ऑफ ब्राह्मणिज्म, उस समय रिवाइव हुआ था सुंगास के टाइम पे. डैश ऑफ द फॉलोइंग हु हैज बीन कंसिडर्ड एज ग्रामरियन, तो पतंजलि को ग्रामर का बहुत बड़ा जानकार माना जाता है. अग्निमित्रा वॉज द हीरो ऑफ कालिदास, मालविका अग्निमित्रा, इसमें मालविका अग्निमित्रा में जिसमें चाणक्य और नंदाज को हराने की बात को जिक्र किया गया है, तो मालविका और चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए अग्निमित्रा के तौर पे दिखाया गया, तो अग्निमित्रा इसमें हीरो है, इसमें मालविका अग्निमित्रा में. कण्वे डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई, कण्वे डायनेस्टी जो है उसका एस्टैब्लिशमेंट किसने किया था, तो कैडफिसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खारवेला ऑफ कलिंगा वॉज ए फॉलोअर ऑफ, ये किस चीज को फॉलो करता था जो खारवेला ऑफ कलिंगा था, तो एक्चुअली ही वाज अ फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, महावीर जो थे जो 24 तीर्थंकर थे उनके धर्म का ये फॉलोअर था. द कैपिटल ऑफ द किंग खारवेला ऑफ कलिंगा वाज, खारवेला ऑफ कलिंगा का जो कैपिटल है वो क्या था, तो इट वाज कलिंगा, कलिंग नगरा. नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंडर मौर्यंस इस प्रोविंस वाज प्लेस्ड अंडर, प्रिंसेस के अंडर प्लेस होता था जितने भी प्रोविंस होते थे. चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ बेनोवेलेंट डेस्पोट, बिकॉज इसमें क्या था, ये बहुत दयालु था, दयालु इन द सेंस ईमानदार भी था, और बाद में इसने रिलीजियस चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा फैलाया, उस पर उस फोल्ड पर ही चलता था, जैसे रिलीजियस कर्म होता है ना कि हाँ हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो उस चीज़ से इसको रिलेट किया जाता है. द मदर ऑफ वर्धमान महावीरा वाज, तो त्रिशाला इनकी माता का नाम था. द मदर ऑफ वर्धमान महावीरा वाज, लिच्छवी की प्रिंसेस भी थी और इनका नाम क्या था, त्रिशाला. बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सेरेमन एट, पहली बार जो उन्होंने धर्म के बारे में नीति बताई थी ये कहाँ दिया था, तो सारनाथ में इन्होंने पहली बार दिया था, उत्तर प्रदेश, सारनाथ मध्य प्रदेश, सारनाथ नो दिस सिटी इज नियर अबाउट नियर बाई बनारस आई थिंक, तो ये उत्तर प्रदेश में ही, सांची इज इन मध्य प्रदेश, तो सारनाथ में इन्होंने दिया था और ये उत्तर प्रदेश में ही है बनारस के नजदीक. द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड एट, ये कुंदल वन में हुआ था काश्मीर में, उस समय कनिष्क जो था वो किंग था. अलेक्जेंडर वॉज द सन ऑफ फिलिप सेकेंड ऑफ मैसोडोनिया, मैसोडोनिया का राजा था इसके पिताजी और वहीं का ये प्रिंस था अलेक्जेंडर. पोरस वॉज डिफीटेड बाई अलेक्जेंडर एट द बैटल ऑफ हैडस्पेस, तो हैडस्पेस के बैटल में जो पोरस था वो डिफीट हुआ, लेकिन बहुत अच्छा इसमें लड़ाई रही थी, तो बाद में अलेक्जेंडर ने उसे छोड़ भी दिया था. अलेक्जेंडर द ग्रेट डाइड एट बेबीलोन 326 ईस्वी में, ये वापस जब इसके सेना ने रिवोल्ट कर दिया कि हम आगे नहीं जाएंगे, तब ये भारत से लौट गया और बेबीलोन में जाके इसकी मृत्यु हो गई. द मोनोलिथिक इमेज ऑफ जैन सेंट गोमती स्वरा इज एट, तो स्वर्ण विल गोला या दैट इज द मोनोलिथिक इमेज, यहाँ पे इनकी एक मोनोलिथिक इमेज थी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज जैन टेम्पल सिटी, इनमें से कौन सा जो जगह है एज ए जैन टेम्पल सिटी के नाम से जाना जाता है, दैट इज गिरनार. डैश वॉज द मदर ऑफ वर्धमान महावीरा, तो त्रिशला इनकी माता का नाम था, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया. भाषा वॉज दी ऑथर ऑफ, भाषा जो थे किस चीज के ऑथर थे, तो स्वप्न वस बदता इसके इस बुक के वो ऑथर थे. द मॉन्क हुम चंद्रगुप्त मौर्य एकम्पेंड टू साउथ इंडिया वाज, तो जो भद्रबाहु थे इनको उसने साउथ में एज ए मतलब जो प्रचार करने के लिए इन्होंने लगा रखा था, और भद्रबाहु उस समय एज ए जैनिज्म का प्रचार ये लोग करते थे, तो भद्रबाहु इसका आंसर हो जाएगा. Who among the following is not associated with medicine in ancient India? इनमें से कौन जो है जो medicine से जुड़ा हुआ नहीं है ancient India में, तो it is भास्करचार्य.
सुश्रुत भी थे, धनवंतरी भी थे, चरक भी थे, ये सारे जो है मेडिसिन से जुड़े थे, लेकिन भास्कराचार्य मेडिसिन से नहीं जुड़े थे। मेगस्थनीज वॉज सक्सीडेड बाई डैस एज एन एम्बेसडर, तो डेमिचोस था उसके उसने सक्सीड किया था मेगस्थनीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज साका एरा वॉज फाउंडेड बाई, तो कनिष्क ने साका एरा को फाउंड किया था। तो अपना सेशन यहीं पे एंड होता है, नेक्स्ट सेशन जो है वो जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस बार कोड को स्कैन करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इवन आप डोनेशन अगर नंबर के थ्रू देना चाहते हैं तो आप गूगल पे, फ़ोनपे, एटीएम, पेटीएम के थ्रू, नॉट एटीएम, पेटीएम के थ्रू आप पे कर सकते हैं। प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, बिकॉज अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस पर आ पाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।